मध्य प्रदेश के देवास के सिक्स लेन बाईपास पर प्राकृतिक नजारों से भरपूर पहाड़ी शंकरगढ़ पर फिल्म सिटी बनाने की योजना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म सिटी 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का प्रस्ताव मिला है। खास बात तो यह है कि जब भी 100 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव किसी भी काम के लिए आता है तो संबंधित विभाग की ओर से प्रोसेस की जाती है। इस मामले को लेकर देवास में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला आए थे। इस दौरान उन्होंने विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसके साथ ही उनकी इस बैठक में टेलीफिल्म कंपनी ने प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। जानकारी के मुताबिक देवास के शंकरगढ़ में फिल्म सिटी बनाने की योजना अगर साकार हो जाती है तो कई कलाकारों को और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा देवास का नाम भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पटल पर किया जा सकता है। बता दें, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला के साथ बैठक में रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स मुंबई की तरफ से इसका प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में कहा गया है कि वह पहले फेज में 150 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं। बता दें, देवास के पास स्थित शंकरगढ़ की पहाड़ी काफी ऊंचाई पर है। यहाँ पर्वतीय श्रृंखला भी है। ऐसे में यहाँ बारिश और अन्य दिनों में बेहद ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ये पहाड़ सिक्स लेन और इंदौर भोपाल हाईवे पर मौजूद है। खास बात तो यह है कि इंदौर एयरपोर्ट से ये 45 मिनट की दूरी पर है, वही देवास स्टेशन से ये 15 मिनट की दूरी पर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।